ये देखो ये देखो ये उनकी क्रिएटिविटी है, ये देखो सारा जैसे अच्छे तरीके से दर्शन बहुत अच्छा लगा। और ये हिमाचल है, ठीक है, इसलिए हमें प्राउड होता है, प्राउड टू बी हिमाचली। यहाँ रेजिडेंस होता था और यहाँ रहे हैं। ये बज रहे हैं, चाय की तलब हो रही थी, जो तो नशेड़ी हैं वो पी रहे हैं दूध। हमने काली माँ के दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं शिव टेम्पल। शिव टेम्पल जो मतलब उससे पत्थर से बना हुआ, बिल्कुल आगे रास्ता जो है वो कुफरी के लिए निकल गया और जहाँ पे हम ऊपर को चढ़ रहे हैं ये रास्ता जा रहा मंदिर के लिए। और ये जो मंदिर है ना, ये मतलब जो रास्ता चढ़ा ना ऊपर को, ये आपका चायल और कुफरी जो रोड है ना, वहाँ से आगे जाके कटता है, वहाँ पे एरो लगा पड़ा है। और ये रास्ता देखो यहाँ का ना, सीधी मतलब ऊपर तक चढ़ाई है पूरी और बिल्कुल मतलब जिस तरह होता है ना गाँव के लिए, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, खाली उनका घर है जिन्होंने बनाया। और हम पहुँच गए मंदिर के पास, ये ऊपर उनका घर है और ये देखो सामने मंदिर। और मैं बताती हूँ आपको भी क्या है और कैसे बना हुआ है, तो चलो दिखाती हूँ आगे। ये सामने मंदिर का एंट्री द्वार, यहाँ से एंट्री अंदर को, और चलो अंदर चल के दिखाती हूँ मैं कैसे बना है, क्या है। ये देखो किस तरह से बना हुआ है, ये बनाया हुआ देखो चलने के लिए, सारा जो है वो उनकी अपनी क्रिएटिविटी है। ये देखो टेम्पल ऑफ टेम्पल इन ड्रीम्स, ये देखो ये देखो ये देखो। मैं बाद में बताऊंगी आपको इसके बारे में भी क्या है। और ये देखो इस तरह से बना हुआ, ये सामने घर है उनका। और ये ना अकेला मतलब एक ही घर है इनका, और जितनी ये जो लैंड है ना, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे अपनी लैंड पे ये बनाया मंदिर, और खुद अपने हाथों से कहते पिछले 30 सालों से ना ये बना रहे हैं और अभी भी बनाते जा रहे हैं। और पूरा टोटली जो है ना वो पत्थर से बना हुआ, ये कोई मतलब इसमें वो नहीं है भाई, कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट है कोई वो है, इनका अपनी इमेजिनेशन है। और बताते हैं भी इन्होंने ना, इनको सपने में 1980 में इनको सपना आया और भोले बाबा ने इनको कहा भाई यहाँ पे मेरा मंदिर बनाओ, और ये जॉब करते करते जॉब छोड़ के ना इन्होंने यहाँ पे ना मंदिर बनाना शुरू कर दिया। और आप साथ में देखते भी रहो, मैं बताती हूँ आपको भी मतलब कैसे कैसे। और ये ना खाली खेती पे गुजारा करते हैं और उसी से वो किसी से मतलब कोई किसी की हेल्प नहीं है, वो खाली मतलब अपने आप बना रहे हैं, ये जो भी बनाते हैं ना इन्होंने अपने उससे बनाया है, इनकी अपनी वो है, सारी मेहनत है और सारा मतलब जितना भी पैसा लग रहा है जो भी कुछ हो रहा है उनका अपना है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी भी, अगर कोई मतलब संस्था कोई वो उनको आगे आके ना इनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इतनी वो है ना वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था देख के, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने। तो एक अकेला इंसान वो नहीं कर सकता, सामने ना जहाँ से वो राजीव जा रहा है वो है गुफा, गुफा भी बनी हुई है, तो भोलेनाथ का जो भैरव रूप है वो अंदर मतलब वो भी दिखाया हुआ है। तो ये देखो, और मतलब इस तरह से ना सारा मतलब इनकी अपनी वो है, इमेजिनेशन है, खुद बनाया है उन्होंने और अभी भी स्टिल मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी उम्र के हैं ये, ये नहीं भी कोई छोटी उम्र के हैं। और ये देखो बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने, पर देख के ना दिल खुश हो जाता है। और भोले बाबा इनको सेहत देना, तंदुरुस्ती देना अच्छी, बहुत समाज के लिए ना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये। पर ये भी हम जैसे लोगों को हमें भी आगे आना चाहिए इनकी हेल्प के लिए, तो काश, पर चलो पास नहीं है तो भी कौन सा, मगर पास नहीं तो नहीं, दूर से भी कर सकता इंसान, हमें मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, नहीं तो मैं ज़रूर मिलती इनसे। लेकिन जब भी कभी मौका मिला तो मैं दोबारा ज़रूर जाऊँगी और मैं इनसे मिलूँगी, इनसे बात करूँगी। तो ये देखो ये इस तरह से है, ये मतलब एक अकेला इंसान ना आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप ये खुद कर रहे हैं, मतलब ये करके, और कोई इनकम सोर्स नहीं इनका अलग से, सिर्फ खेती बाड़ी है जो इनकी लैंड है और बिल्कुल अकेला मतलब अब इन्हीं का मकान है यहाँ पे। और सुंदर देखो कितना सुंदर, मतलब कल्पना देखो उनकी
कितना सुंदर बनाया है। और ये देखो, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, बहुत सुंदर। पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इतना सुंदर फ़ोन में ना कैप्चर हुआ कि नहीं, पर बहुत प्यारा है ये, बहुत प्यारा है। मतलब ये दिल करता है यहाँ जाके ना वापस आने का, ना मन नहीं करता, ये दिल करता है भाई यहीं पर बैठे रहो, और इतनी पॉजिटिविटी है। और जो मेन मंदिर है ना, जो भोलेनाथ की जो पिंडी जहाँ पर स्थापना है, वो ये है, जय भोलेनाथ। और ये देखो, कर लो भोलेनाथ के दर्शन घर बैठे, पर अगर मौका मिलता है ना तो ज़रूर जाएं। और मतलब वो भी, उनको भी मोटिवेशन मिलता है। ये देखो कितनी सुंदर, और ये जो नाग देवता थे ना, पता कैसा लगा, जैसे सच में मैं ऊपर से उनको कैप्चर कर रही थी ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ही देख रहे हैं ये, और रियल में है। और नीचे जो है वो नीचे देखो इस तरह से ना, ये सारा ना, ये देखो ये मिट्टी पत्थर, बाकी कोई चीज़ ना, कोई सीमेंट, वो चीज़ें नहीं यूज़ की गई हैं, मतलब मिट्टी पत्थर इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है ये, जितना भी बनाया है ना। और ये देखो कितना टाइम लगा होगा, कितने कितना टाइम, तो क्या कहते हैं 30-35 साल से जो है वो बना रहे हैं। पर ये भी समाज के लिए ना कितना भला कर रहे हैं समाज का, ये चीज़ देखो आप। एक ना मतलब छवि है, एक याद है जो वो दे रहे हैं समाज के लिए, और एक बहुत अच्छी जगह दे रहे हैं। लेकचंद जी है ना, जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया है, जिनका रॉक गार्डन का वो है, कहते उन्होंने इनको ना रिवॉर्ड दिया था, रिवॉर्ड से सम्मानित किया था इनका, ये सब देख के तो बहुत गर्व की बात है। अभी हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो जी हम आगे वापिस करे आए दर्शन, बहुत अच्छा लगा। और ये जो ड्रीम लैंड है ना, तो ये है आपका जनेट घाट से किलोमीटर की आगे है, ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, जब आप शिमला कुफरी जो रोड है ना उस पे है, तो वहाँ से जब आप उसकी तरफ जाओगे, शिमला की तरफ जाओगे, तो लेफ्ट ऊपर का रास्ता कटेगा जनेट घाट से कटते किलोमीटर की आगे। बहुत अच्छी जगह है, जरूर विजिट करें, हमें तो बहुत अच्छा लगा। रेचल कुछ लेने गई है सामने, वो रुकी खाने के लिए। और ये देखो ठंड तो है ही यहाँ पे, लोग किस तरह से अपनी दुकानों के बाहर आग सेक रहे हैं। तो जी हम ना चायल से और जो जहाँ पे हम गए थे अभी, उसके बीच में हमारे 3 चक्कर लग गए हैं। पहले हम गलत आगे चले गए थे, फिर पीछे हटे हैं, फिर ये देखो ये रेचल ने ना, इतनी केयरलेस लड़की है ना, इतनी केयरलेस लड़की है भाई, सुबह से ना 3 बार ये तीन, नहीं नहीं ये होटल में भी भूल के आई थी, 3 बार ना ये ईयरफोन, अरे ये 2000 की ईयरफोन है, ठीक है ना, आपको पता है भाई एप्पल के। तो ये इसने क्या किया, ये कुछ खाना खाने के लिए नीचे उतरी है ना, और वो इसने गाड़ी की सीट पे रखे होने, खिसक के नीचे गिर गए। ये तो शुक्र मनाओ, हम ना 3री बार वापिस आए, पता तो चायल से भी आगे निकल गए थे, अमेरिका में ज्यादा हम 5-6 किलोमीटर पीछे आए हैं फिर दोबारा। ये भी रिपू का दिमाग काम करके, रिपू कह रही है वहां शायद हो सकता है, इसने उस पे रखे थे, सीट पे रखे थे, और खिसक गए होंगे, खिसक के पीछे चले गए होंगे, और वही बात हुई। देखो ये ईयरफोन ना, मैं ये चीज बताना चाह रही, वैसे इसको बताने का मेरा कोई वो नहीं था, मोटिव नहीं था, लेकिन क्या चीज है भाई, यही ना अगर कहीं और होते ना, हम नीचे होते पंजाब में होते या कहीं चंडीगढ़ कहीं भी होते, तो कोई हमें ईयरफोन वापिस ना करता। ये हिमाचल है, मैं अपने हिमाचल की तारीफ बोल रही हूँ, जहाँ पे इसने चिप्स कर लिए ना, उसके साथ ही नीचे सड़क में गिर गए होंगे, और साथ वाली दुकान वाले ना उनको दिखे होंगे, उन्होंने ना अपने पास संभाल के रख लिए। और अभी हम गए ना, तो उन्होंने ना उन्होंने मतलब उनको ये भी पता लग गया होगा भी, शायद वो लोग जैसे उतरे थे तो जिनसे चिप्स लिए थे ना, उनको पता लग गया, उन्होंने बता दिया होगा उनको भी ऐसे ऐसे ईयरफोन मतलब मेरे पास है, तो हम गए, उन्होंने हमें ईयरफोन दे दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और ईमानदारी हिमाचल में अभी भी जिंदा है, बाकी तो मुझे नहीं लगता भी कहीं है, पर ये है, ये मेरा हिमाचल, प्राउड टू बी हिमाचली। रेचल तू बोलती ना मुझे हिमाचल पसंद नहीं है, तो आप बताइए, आज बता जरा हिमाचल का। वो तो अंकल ने झोले में रखा था, नहीं उसके संभाल के रखा था, खराब ना हो। फिर से बोलिए एक बार, वो मना कर सकते थे बेटा देने से ना, वो मना कर सकते थे देने से, ठीक है ना, ये हिमाचल है, ठीक है, इसलिए हमें प्राउड होता है, प्राउड टू बी हिमाचली। 10th के एग्जाम दिए थे तो मैं यहाँ आके रही हूँ 2 महीने, क्योंकि मेरे ताया जी थे यहाँ पे, ताया जी के हम ताऊ जी बोलते हैं उनको, तो वो यहाँ पे डॉक्टर थे, तो मैंने 2 महीने लगाए, मैं 10th की जो छुट्टियाँ होती ना 10th के एग्जाम के बाद, तो मैंने यहाँ पे 2 महीने लगाए थे, और मुझे अचानक दिखा ना आज, तो मुझे वो टाइम याद आ गया, हम यहाँ पे रहे हैं।
और इसके निचली साइड ही ना रेजिडेंस था, तो वहां पे रहे हम लोग। अब ये पता नहीं किस तरफ से था कि उस तरफ से थी, नीचे को थे अशु ये जो यहाँ पे गऊ थी मातन रखी। हाँ ये गऊ थी, नहीं नहीं जो ए है ना इसके डाउन में है, हमने कई बार पूछे चुंगी। और ये देखो मतलब ये जो निचली साइड है ना यहाँ से इस तरफ, अब तो खैर यहाँ से मेरे को लगता है इन्होंने तोड़ दिया है, यहाँ रेजिडेंस होता था और यहाँ रहे हैं। और ये नीचे यहाँ इस जंगल में ना ये देखो यहाँ घूमते थे हम लोग। और ये देखो पहाड़ों में जाओ और लंगूर या बंदर के दर्शन ना होना ऐसा कैसे हो सकता है, देखो कितने मजे में खा रहे बैठ के। ये है साधु पुल और चायल के बीच में, इसको बाबा मोड़ बोलते हैं। और यहाँ पे ना एक बाबा जी बैठते हैं, बाबा जी क्या मतलब यहीं के लोकल हैं, वो नब्ज़ देख के ना दवाई देते हैं, या कैंसर, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर कुछ भी हो, फोर्थ स्टेज तक का कैंसर या फोर्थ स्टेज तक की जो तकलीफ है वो ठीक करते हैं। हजारों लोग यहाँ से ठीक होते हैं, लेकिन मिलते वो संडे को ही हैं। तो अगर किसी को कोई किसी किस्म से प्रॉब्लम है तो जरूर विजिट करें यहाँ पे, 100% शर्ती है इलाज। आगे हम वापस, और टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, चाय की तलब हो रही थी, जो तो नशेड़ी हैं वो पी रहे हैं दूध वाली चाय, बीच में मैं और हम पी रहे हैं बीच में मर रही है। अंशुल खा रहा है मैगी और हमने सैंडविच, वो राजी मैं तो पूरी क्योंकि तलब हुआ नहीं खाना तो मैं सैंडविच ले रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज एक और हम उसी वहीं पे रुके। गाड़ी खोल के आ गए आप लोग, हम वहीं रुके हैं, खुशबू नहीं अच्छी थी उस पे जहाँ हमने सुबह खाया था, क्योंकि हमें इनका खाना ना बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मतलब घर जैसा फील हो रहा है, घर में बैठे हैं और मतलब इनकी जो हॉस्पिटलिटी हो गई यही फील दे रही है, बहुत अच्छा रही है इनका। और वैसे भी खाना भी बहुत अच्छा है जैसा, तो हमारा तो ये विचार था कि हम खाना खा के जाएंगे क्योंकि हिमाचली धाम बनाते हैं ये, लेकिन शायद लेट हो जाएंगे, देखते हैं अभी अभी पक्का कुछ भी नहीं हो सकता है, मे बी थोड़ी देर रुक के जाए यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता, क्या नहीं, दिखाती मैं आपको। तो निकल रहे हैं सोलन, जाती बार हम देवघाट से होके गए थे और इस बार जा रहे हैं हम बाईपास से। तो ये देखो बहुत सुंदर सुरंग बन गई, बहुत काफी लंबा एरिया कवर कर रही है ये, हम रास्ता सोलन तक शिमला तक ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, पहुंच गए चंडीगढ़। और सब थके पड़े थे तो कहते बाहर से खा के आते हैं, तो ऑर्डर किया हुआ है। और ये देखो सारे क्या हिमाचल की जो हमारी जर्नी थी, जो हमारा ट्रिप था, वो 2 दिन का ट्रिप था, वो गया खत्म। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया बताया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया है, लेकिन शायद जो काली माता का वो था ना मंदिर था, उसके लिए बहुत कंफ्यूज आए लोग, क्या आप लोग आप मतलब माता से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड नहीं देखना चाहते क्या, जो आप लोगों ने कम देखा है, बाकी पे तो मतलब पूरा प्यार उडेल रहे हैं आप लोग मेरा, तो उस पर उडेलो ना, माता रानी की कृपा लो, घर बैठे आपको दर्शन करने को मिल रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हो आप लोग। तो चलो मर्जी आपकी, खैर मैं कभी किसी को ऐसे नहीं बोलती भी, देखो या ना देखो वो आपकी इच्छा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग देखोगे, नहीं लगता तो नहीं देखोगे तो मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती भी देखो, ठीक है ना, हाँ अगर अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगा तो नहीं देखा तो चलो ट्रिप खत्म ही, बहुत अच्छा टूर रहा हमारा, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लगा हिमाचल में जाके, वैसे भी आपको पता ही भी इतना सुकून और इतनी शांति मिलती वहां पे। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मैं आज फिर से एक बार फिर बोलूंगी भी, जो मेरे चैनल पे जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता तो आगे शेयर करो, और जो चीज अच्छी लगती है वो कमेंट में कहो भी हमें ये अच्छा लगा, अगर कुछ गलत लगता है ना तो वो भी बोलो कमेंट में भी हमें चीज गलत लगी है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यही नहीं भी मुझे अपनी तारीफें बटोरनी है, अगर अच्छा लगता है ना तो भी बोलो, गलत लगता है तो भी बोलो, हर एक चीज बोलो, मेरी फैमिली हो आपका फर्ज बनता है भी मुझे बताना भी मैं कहां गलत हूं कहां सही हूं, ठीक है ना। तो जैसे मैं अपना परिवार समझती हूँ आप मुझे अपना परिवार समझो, जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और जो है बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी जब भी मेरे ब्लॉग आएंगे, ब्लॉग तो क्या डेली आते हैं मेरे। तो चलो बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए।